और जो भी नए लड़के मुझसे क्वेश्चन किए थे कि कब से कॉलेज में पढ़ाई चालू होगा, तो कल को हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। आज टीचर डे में बताया नहीं था, सो कल से आपको सब बता जानकारी मिल जाएगा। सो ये कॉलेज सबसे पहला बोल से तो पढ़ाई चालू हुआ है, क्योंकि कल से ही तुम्हारा पढ़ाई सब चालू हो जाएगा। और कॉलेज में जो भी अगल बगल का आपका भी आज को आपको हॉस्टल बता देते, क्योंकि कहाँ कहाँ हॉस्टल है और हॉस्टल का अभी आपको मिलेगा नहीं रूम। अगर आप चाहते हो हॉस्टल में रूम लेना तो अभी आपको मिलने वाला नहीं है। हॉस्टल में रूम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1-2 महीने के लिए वेट करिए। एग्ज़ाम होगा शाम में, उसके बाद ही वहाँ पर ही दे देगा आपको हॉस्टल। अगर आप अप्लाई करते हो थोड़ा संभल कर करिएगा, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल में बात होता है। मगर हॉस्टल में अपनी मर्जी से लेने से पहले आप सब सीनियर से बात कर लीजिएगा, सीनियर सबसे बात करिए, सर सबसे बात कर लीजिए, कितना रेट है सब जान लीजिएगा। ऐसा हम तो सब बता ही देंगे, बस एक कमेंट आ जाना चाहिए और वीडियो में व्यूज आना चाहिए। हम तो इसे बता ही रहे हैं, जैसे कि अगली बार मैं अच्छा से कमेंट दिए थे तो इसलिए अच्छा से वीडियो बनाए थे। तो बस वही बात है, जो फिर से हम बताते थे, इधर देख लो पानी का टंकी होगा इस साइड, उसके बाद ही उधर पीछे तक कॉलेज है। यहाँ से कम जैना मोड़ आपका 3 किलोमीटर से पड़ता है। हाँ सर, मजाक नहीं है, गूगल से सर्च मार के देख लीजिए जैना मोड़ टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुटरी, तो आपको पता लग जाएगा कितना दूर पड़ता है। और आपको कॉलेज तो दिखाई दिए, अभी चाह रहे हैं और मतलब एक रूम दिखाने, क्योंकि जितने ही पॉलिटेक्निक के बच्चे आएंगे सब रूम देखने खोजेंगे कि कहाँ पर रूम है, कहाँ रहना है, कितना रुपये चार्ज है। तो चार्ज हमेशा बदलते रहता है, हमेशा एक्यूरेट नहीं रहता है। तो आपका हम बता देते कि कितना रुपये चार्ज है, तो चार्ज का अभी हम आपको क्लियर करते हैं। उससे पहले आपको दिखा दें कहाँ रहना है, 2 जगह हमको पता है और 3 है हॉस्टल, 2 जगह पता है। 2 जगह मतलब कि सीनियर से बात करके 2 जगह हम क्लियर कर देते, तो उस सबके लिए आपको वहाँ बात करना होगा। हमको इतना बता सकते हैं कि वहाँ पर आप रह सकते हो, रूम है, तो रूम के लिए बोलिएगा, कोई सीनियर सर सब का इजाज़त होगा तो हम वहाँ पर ये बना देंगे, क्योंकि इजाज़त भी परमिशन भी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तरह से अंदर हो गया ना, बाहर नहीं है कि बाहर हम ब्लॉग बना लिए कोई दिक्कत नहीं, वो अंदर हो गया, परमिशन चाहिए होगा। और तो देख सकते आगे पीछे रोड का हम लोग का दोस्त आगे पीछे आ गए हैं, और इधर तो पूरा हरियाली है, मतलब कि एक तरह से हरियाली के बीच में कोई गाड़ी उड़ी को उतना दिक्कत नहीं है। और इसका बगल में रोड है, एकदम मेन रोड है, तो आप दिक्कत भी नहीं होगा। हम उतर के रोड दिखाते हैं, देखिए मेन रोड इस साइड, यहाँ से थोड़ा आगे आप पहुँच के उसको वहाँ से मेन वहाँ पर है मिश्रा टोला, वहीं पर आपका मेन जो रूम है दुर्गा मंदिर है उसी के सामने रहना होता है। तो अभी आपको जो कि दिखा देते, बाहर से दिखा सकते हैं, ये सब जो बच्चे हैं आगे स्टूडेंट मेरे क्लासमेट उस सब सबको भी दिखाना, तो जा रहे हैं फिर। मेरा रूम तो आपको पता ही है, वीडियो में आ गया होगा आपका, अगर अपलोड नहीं हुआ तो अभी आज अपलोड कर देंगे आपको। मेरा लाइफ स्टाइल आपको पता ही है, बनाए थे आज को लाइफ स्टाइल कैसे लाइफ बीत रहा है, उसे एक ब्लॉग क्लियर कर दिए थे। अभी ऐसे ही होगा और कुछ दिन उसके बाद सब रूममेट आ जाएगा, सब ही सेटल हो जाएंगे। मुझे फिर पहले आपको दिखा देते ढाबा, ढाबा दिखाने के लिए देख सकते हो वहाँ एक ढाबा है, रेट वेट सब पता लग जाएगा बाद में आपको, जैसे जैसे हम ब्लॉग बनाते रहेंगे, देखते रहोगे पॉलिटेक्निक वैसे बच्चे, आपको असुविधा नहीं होगा, मतलब कहीं जाकर खोजना नहीं पड़ा, ब्लॉग देख ली क्लियर हो गया कि यहाँ यहाँ जाओ डायरेक्ट वहाँ बात करो, कंप्लीट हो जाएगा आपको। ऐसे में आप लोगों को पता नहीं रहेगा, आइडिया नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप जाएंगे 10 जगह घूमेंगे। इसलिए आपको पहले होटल दिखा देते हैं, वहाँ होटल है, उसका बगल में ढाबा है, और मैं पीछे देख सकता हूँ पानी का टंकी दिख रहा होगा यहाँ। पहले पहुँच रहे थे, आज टीचर्स डे था, तो सब टीचर्स जो जो मेरे ब्लॉग देखते हो टीचर्स, आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। कॉलेज में ना बोल पाए हो तो अभी वीडियो में बोल देते, क्योंकि सर सब मेरा वीडियो भी देखते हैं। देख सकते हो यहाँ दूसरा होटल, फैमिली रेस्टोरेंट, ये उसी रोड में पड़ता है, क्योंकि हम लोग वीडियो में सीधे आ रहे हैं, सीधे ही पड़ेगा आपको तो दिख जाएगा। और इसी में सीधे आपको जैना मोड़ निकल जाइएगा, पहले आप फोर लाइन में निकलिएगा जैना मोड़ से, बस उस आता फोर लाइन है, फोर लाइन से आपको जैना मोड़ थोड़ा चौराहा है, चौराहा में इस साइड आइएगा तो पॉलिटेक्निक, उस साइड जाइएगा जैना मोड़ जहाँ श्री राम चौक है। सो अभी हम लोग जाते हैं, हाँ देख सकते हो, सो देखो यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए पेट्रोल पंप, उससे आगे जाना हम लोग, उसके आगे से आपको मिश्रा टोला दिखेगा जो आपको पहले ही बता दिए थे। हल्का हल्का बारिश गिरना चालू हो गया, और इधर एक पब्लिक स्कूल है उसको दिखा देता है,
सर सर से बात करके कॉलेज में वीडियो बनाने का परमिशन ले लेंगे, उसके बाद कॉलेज तक वीडियो जाएगा, क्लासरूम में नहीं रहने का, उसके बाद घर तक तो बनता ही है। देखो तो यहाँ बिजला टोल आया, बिजला टोल आया, यहाँ से जैसे हम लोग मिथिला टोला एंटर किए, उसके बाद से आपको रूम के बारे में दिखा देते हैं। मंदिर है, मंदिर पहले घुसेंगे, उसी के पीछे रूम है। हाँ, वहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन है जो आपको वहाँ फॉलो करना होगा अगर वहाँ रहते हो। पहला रूल कि वहाँ एक बार एंटर करे जाने के बाद वहाँ से निकल गए तो दूसरी बार एंटर करने मिलने से बहुत मुश्किल सोचते हो, परमिशन चाहिए होगा बहुत जन का, सीनियर सबका। और वहाँ सीनियर जूनियर टीचर सब एक साथ एक जैसा रहेगा फैमिली की तरह। वहाँ पर एक रूल और है, वहाँ दो टीचर रहते हैं, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, उधर से पढ़ाई भी हो सकता है, मदद भी मिल जाएगा। और फिर आपको और एक बात, कभी रूम सब भी है, रूम सब में पहले घास उग गया मगर वो सब तुरंत हट जाएगा, टाइम नहीं लगता सब हटाने में। और रूम का रेट वेट सब हमेशा चेंज होते रहता है, उसका रेट नहीं बोल सकते, रेट के लिए आपको आके खुद पता लगाना होगा कितना रेट है, क्योंकि सीनियर सब बता देगा आपको कितना रेट है। अभी ये मित्राचल में हम लोग एंटर किए, उसके बाद हम लोग मंदिर आएगा, वहाँ दुर्गा मंदिर हनुमान मंदिर सब है एक तरह से। अभी वहाँ पर जाकर आपको वीडियो से दिखा दे रहे हैं, मंदिर बोलने पर सब है। उसके बाद आपको हम मंदिर के बाद अंदर तक घुसाएंगे, कुछ बच्चों का भी जगह खाली है, जल्दी से जिसका जिसका नहीं मिला और ब्लॉग देख रहा था आ जाओ। तो अभी हम लोग पिछड़ा टोला में मंदिर पहुँच गए, देख सकते इधर मंदिर है, तो मंदिर के पीछे ही रहना होता है, दिखा दे रहे जाके अंदर तक घुस के, बाकी सब आपको उधर ही जानकारी मिल जाएगा। अंदर खुल के तो नहीं दिखा सकते मगर बाहर से हम दिखा सकते जरूर है, वो दिखा देते हैं। ये सब में रूम सब में जिसमें लॉक लगा हुआ सब में सीनियर रहते हैं, वह वाला रूम में भी एक सीनियर रहता है, इधर सब एक और बच्चा ले सकता है रूम। और बाकी आपको रूम दिखा देते हैं, पीछे तरफ का मंदिर दिखा दे रहे हैं। और तो यहाँ से भी एक निकलने का रास्ता देख सकते हो, वहाँ पर एक मेन गेट है, वहीं से आप डायरेक्ट निकल सकते हो। और इधर एक समय सब बच्चे सब रह सकते, अगर दिक्कत होगा ज़्यादा तो इधर भी रह सकते रूम में बात करके, यहाँ लेटरिन बाथरूम जो है मतलब यहाँ बहुत ही सुविधा बोलने को, क्योंकि ऐसे यहाँ पीने का पानी मिलता है, वहाँ लेटरिन बाथरूम है, कि यहाँ मकान मालिक जो बोल सकते हो घर, वहाँ मंदिर है, मंदिर तो आपको दिखाई दिए हैं, फिर इसका उस साइड सीनियर का घर है। मंदिर है पूरा इलाका, वहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर कुछ स्मोक ड्रिंक कोई भी स्टूडेंट करता होता है इधर रहना मना है। और आपको पेमेंट वेमेंट सब टाइम से करना होता है, वो सब तो आपको सब पता ही होगा। चलिए आप आगे जाकर बात करते हैं। ये देखिए ये पीछे मंदिर है, मेन गेट यहाँ से एंट्रेंस देख सकते हो, ये दुर्गा मंदिर बोल रहे थे, दुर्गा मंदिर है। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ, जो भी भरना पढ़ लो, नंबर भी मैं आपको मिल ही गया होगा यहाँ से। इस मंदिर के बारे में आप जाकर यहाँ से बात कर सकते हो, आप सीसीटीवी के कैमरे में रहेगा एकदम। और यहाँ पर वाईफाई की सुविधा आएगा, अभी आया नहीं है, इन्वर्टर भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, अभी तक मिला नहीं है इसका, हुआ टू एंड एक दो दिन में सुविधा आ जाएगा। आज तक यहाँ एडमिशन कराने आओगे मतलब रूम देखते हैं तब तक हो गया, सब सुविधा आपको मिल जाएगा। और बाकी सब जानकारी चाहिए तो सीनियर से आपको पूछना होगा कि रूम का रेट कैसा है सब कुछ, वो हम कैसे बता देंगे, हम यहाँ रहते नहीं हैं इसलिए हम कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी जब पूजा वूजा होता है डेली पूजा का सुविधा। तो देख सकते हो अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं, ये सब दोस्त हैं मिश्रा टोला से पार हो रहे हम लोग, आगे जाके फिर बात उत करेंगे आगे मतलब रूम कहाँ है जैना मोड़। पहले अभी हम लोग यहाँ से फोर लाइन क्रॉस करेंगे, फोर लाइन में वीडियो कम बनाएंगे, या पहले क्रॉस करने में ध्यान देंगे क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा फोर लाइन में, वहाँ पर चार लाइन का हमें पता ही होगा कहाँ से रोड होता है, फोर लाइन में क्रॉस करना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए तुरंत क्रॉस करके, अभी तो साइकिल भी नहीं रहे हम, साइकिल लाते तो तुरंत क्रॉस हो जाता। सो अभी हम लोग फोर लाइन के पास पहुंच रहे हैं और पहुंच के आपको बता देंगे क्या कैसे।
देख सकते हो बड़े बड़े होटल्स हैं। हम लोग मतलब मोड़ के सामने पहुँच रहे हैं, इसलिए इतना फोर लाइन के पास वहाँ पर होटल, अभी वहीं पर खाए थे लिट्टी इडली जो खाया था उसके पहले राज स्वीट, वहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर वही तीन दुकानों का है। और यहाँ देख सकते हो जैना मोड़ आगे है, रामगढ़ इस साइड, धनबाद इस साइड, यहाँ फोर लाइन जिसको बोलते वही आगे में जो चौक हुई आगे। देखो कितना किलोमीटर कलकत्ता यहाँ से कितना है सब लिखा हुआ है, तुम वहाँ से जूम कर दे चेक कर सकते हो। यहाँ जीके हॉस्पिटल ही है, फोर लाइन क्रॉस करने के बाद बात करते हैं। देखो समृद्ध दुर्गा मंडप और इस फोर लाइन क्रॉस करते हुए यहाँ से थोड़ा आगे जाके जैना मोड़ वहाँ एक मंदिर है, उसका तो मंदिर भी आपको वीडियो दिखा देते हैं। वहाँ पर एक अच्छा सा स्टेचू है उसको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम लोग का रूम का कहाँ घूमना बस अभी दिखा देते हैं। पहले यहाँ हम लोग पहुँचने दीजिए मोड़ तक, घूम ही जा रहे हैं अभी ये मोड़ उड़े सब देख लीजिए सब घुमा रहे हैं। देखिए तो पूरा सब्जियों की मंडी है, यहाँ से निकल कर सब्जी मंडी है, सब्जी खरीद सकता जो भी मतलब जाता होता है इधर सब सामने मिल जाएगा, मतलब चौकी ही पर सब सामने मिल जाएगा आपको। और आपका इधर सब तरफ से कपड़ा दुकान मॉल उल ऐसा सभी आपको मिल रहा है। जैसे एस बी आई बैंक भी बगल में ही है तो आप ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा पैसा निकालने में, तुरंत आ जाए। और दिखा देते रूम यहाँ से जो ये फर्स्ट रोड है, तुरंत आगे जो ये गली फर्स्ट गली घुसता है इसी में पहुँच के बात करते हैं अभी।